सुरक्षा के लिए दुनिया भर के कई देशों के लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज दे रहे हैं। भारत सरकार भी जल्द ही बूस्टर डोज को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। अब जानना ये है कि कहां किन शर्तों के साथ लगाया जा रहा है बूस्टर डोज और क्या कोरोना को रोकने में बूस्टर डोज कारगर है। नमस्कार, शुभ 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रूपे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका में कोमोर्बिडिटी और रिस्क वाले एरिया में रहने काम करने वाले 18 प्लस उम्र के लोगों बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ब्रिटेन में केवल उन्हें ही बूस्टर डोज नहीं दिया जा रहा है जिन्हें पहले दोनों डोज की वजह से गंभीर रिएक्शन हुई थी। बाकी लोगों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी गई। कोमोर्बिडिटी वाली प्रेग्नेंट महिला को भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। कनाडा में उम्र और कोमोर्बिडिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसराइल में 12 साल से ऊपर के सभी लोग बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है। जापान ने नवंबर में ही फाइजर के बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। दिसंबर से हेल्थ केयर वर्कर और जनवरी से बुजुर्ग आबादी को बूस्टर डोज दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि क्या कोरोना को रोकने में बूस्टर डोज कारगर है। इसराइल में बूस्टर डोज की इफेक्टिवनेस को लेकर एक स्टडी की गई थी। 7.28 लाख लोगों पर भी की गई इस स्टडी में सामने आया था कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 93% कारगर है। साथ ही कोरोना के गंभीर लक्षणों को रोकने में भी 92% इफेक्टिव है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के 5 से 6 महीने बाद एंटीबॉडी लेवल में कमी आने लगती है। इंग्लैंड में फाइजर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर की गई स्टडी में सामने आया था कि दूसरा डोज लगवाने के 2 हफ्ते तक वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने में 90% कारगर है, लेकिन 5 महीने बाद केवल 70% ही कारगर रह जाती है। इसी स्टडी में मॉडर्ना वैक्सीन की इन्फेक्टिवनेस भी समय के साथ कम होती गई है। अब जानते हैं क्या भारत में भी बूस्टर डोज देने की जरूरत है या नहीं। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक भारत में ज्यादातर वैक्सीनेशन पिछले कुछ महीनों में हुआ है, इसलिए फिलहाल बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन के 10 से 12 महीने तक प्रोटेक्शन रहता है। साथ ही इस बात को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि भारत जैसे देश में बूस्टर डोज की जरूरत है, क्योंकि भारत की ज्यादातर आबादी को अभी वैक्सीनेशन का सिंगल डोज ही मिला है। इसलिए भारत का फोकस अभी बूस्टर डोज की बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने पर होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में आप ज्यादा बड़े ग्रुप का फायदा देखते हैं। बूस्टर डोज से ज्यादा आबादी प्रोटेक्ट होने की बजाय केवल व्यक्ति ही प्रोटेक्ट होगा। हालांकि कुछ स्पेशल ग्रुप जैसे कम एंटीबॉडी डेवलप करने वाले लोगों को तीसरी डोज के तौर पर वैक्सीन का अतिरिक्त डोज दिया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए ये बूस्टर डोज की बजाय उनके प्राइमरी वैक्सीनेशन का ही हिस्सा होगा। भारत में एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों का पूरी तरह वैक्सीनेशन होने के बाद भारत बूस्टर डोज पर विचार कर सकता है। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।